बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि सरगोधा यूनिवर्सिटी विल गो फॉर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स और एमसीक्यू बेस्ड में मल्टीपल चॉइस होंगी। क्वेश्चन इज गिवन, फोर आंसर्स आर देयर और उनमें से आपने करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना होगा। आप लोगों की कुछ प्रैक्टिस है एमसीक्यूज पे, ऑनलाइन सेशंस पे मिड कंडक्ट किया था, आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया था, शाबाश। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन प्रैक्टिस के लिए एक वेबसाइट दूंगा जहाँ पे एमसीक्यूज हैं डीएलडी से रिलेटेड कॉमन टॉपिक्स से और बिग नंबर में अवेलेबल हैं एमसीक्यूज, और ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इन एमसीक्यूज की। ये स्क्रीन शेयर आपको नजर आ रही है? जी शाबाश, ये है डिजिटल सर्किट्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स और ये सेंट फाउंड्री यूनिवर्सिटी की इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन अवेलेबल है। और यहाँ पे हमारे पास इन्होंने दे हैव गिवन 1000 एमसीक्यूज दिए हुए हैं यहाँ पे इस वेबसाइट पे, ठीक है। इसका जो एड्रेस है ये मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में भी भेज दूंगा और जो मॉडल है वहाँ पे भी पड़ा होगा, जिसमें आप ये देख सकते हैं इट इज़ रिटन हियर 1000 डिजिटल सर्किट्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अब मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने इस वेबसाइट को यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आप ये URL जो मैं आपको सेंड करूँगा, ये URL आप अपने गूगल क्रोम में डाल देंगे और ये जो पेज आपके सामने इस वक्त व्यू कर रहे हैं आप लोग, ये पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट गो डाउन, ये टॉपिक है, टॉपिक्स आर गिवन हियर। नंबर वन, क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन नंबर सिस्टम एंड कोड्स। और ये जो नंबर सिस्टम और कोड्स है ना, इसमें से मैक्सिमम एमसीक्यूज आते हैं, इसमें से मैक्सिमम एमसीक्यूज बन सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर था, और इसके जो क्वेश्चंस हैं दे आर हियर, ये गिवन है, ठीक है। इसमें आप क्लिक करेंगे नंबर सिस्टम वन तो एमसीक्यूज ओपन हो जाएंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड, देन नंबर सिस्टम टू सेकंड सेक्शन, ठीक है, वो ओपन हो जाएंगे। अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन में आपको याद है एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन एंड सो ऑन। इस तरह इनमें ना कन्वर्जेंस भी हैं। कम्प्लीमेंट हम लोगों ने पढ़े थे, वंस कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट, नाइन्स एंड टेंस कम्प्लीमेंट, ये दो चीज़ें नहीं हैं। नाइन्स एंड टेंस कम्प्लीमेंट ये मैं आपको किसी एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा, नाइन एंड टेंस कम्प्लीमेंट, वेयर एज वंस एंड टूज कम्प्लीमेंट यू गाइज ऑलरेडी नो। बाइनरी कोडेड डेसिमल याद है, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, क्या करते थे बाइनरी कोडेड डेसिमल में, BCD में हम हमारा जो भी डेसिमल नंबर था, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेसिमल नंबर है 24 base 10, ये है डेसिमल नंबर, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टू BCD, राइट। BCD में कैसे कन्वर्ट होगा, 4 का हम 4 बिट नंबर लिख लेंगे बाइनरी में और 2 का भी इक्विवेलेंट बाइनरी लिख लेंगे, 4 का क्या बनेगा याद है, 0100, ठीक है। 2 का क्या बनेगा, 0010, ठीक है। तो ये हमारा BCD इक्विवेलेंट हो गया किसका, 24 का डेसिमल नंबर, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट इसमें MCQs हैं इस सेक्शन में रिलेटेड विद नंबर सिस्टम एंड कोड्स, ठीक है। आप ये सॉल्व करेंगे उसके बाद देखें, ये सेक्शन देखें दूसरा, क्वेश्चंस ऑन बूलियन अलजेब्रा एंड मिनिमाइजेशन टेक्निक्स एंड लॉजिक गेट्स। बूलियन अलजेब्रा हम लोगों ने स्टडी किया है, मिनिमाइजेशन टेक्निक्स आपको याद हैं कौन कौन सी टेक्निक्स थी, तीन टेक्निक्स थी,
यूजिंग रूल्स एंड लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, दूसरी टेक्निक थी के मैप, और थर्ड टेक्निक थी टेबुलर मैथड। ये सारे वेज हैं मिनिमाइज करने के लिए, और इसी में हमने फिर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन पढ़ी थी, एसओपी एक्सप्रेशंस, पीओएस एक्सप्रेशंस, एसओपी मिनिमाइजेशन, पीओएस मिनिमाइजेशन, स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशंस, नॉन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस, राइट। और सेम इस चैप्टर में जो सब पोर्शंस हैं वो ये हैं, ठीक है, बूलियन ऑपरेशंस, सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सम्स, मिन टर्म्स, मैक्स टर्म्स, ठीक है, कार्नोव मैप, मैक्वेजी और टेबुलर मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन, लॉजिक गेट्स, ठीक है, बेसिक गेट कौन कौन से थे याद है, एंड और, नॉट, नॉर, नैंड, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नॉर, ये बेसिक गेट्स थे। तो ये इस सेक्शन में आप लोग, इस पूरे सेक्शन में क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से रिलेटेड और लॉजिक गेट से रिलेटेड। नेक्स्ट, अच्छा ये जो थर्ड सेक्शन है, ये थर्ड पोर्शन, ये आप लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है, इस पे आपने फर्स्ट पोर्शन करना है, सेकंड पोर्शन करना है, थर्ड पोर्शन वी विल परफॉर्म इन द लास्ट, ये अभी आपने नहीं करना, ठीक है, ये अभी नहीं करना आपने। जी स्टूडेंट, ठीक है, तो ये सेक्शन हम लास्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चंस ऑन अरिथमेटिक सर्किट्स। अरिथमेटिक सर्किट्स आप लोगों को याद है हमने स्टडी किए थे, एडर, हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, उसके बाद और कौन से अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो भी हमने डिस्कस किए थे, दे ऑल आर कवर्ड हियर, राइट। इसमें से जो आप लोग टॉपिक कवर करेंगे वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ इस सेक्शन में से। फर्स्ट, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ एडर्स, हाफ एंड फुल सबट्रैक्टर, प्रोसीजर, के मैप, सिंप्लीफिकेशन, यस वी हैव स्टडीड, कंट्रोल इन्वर्टर, नो, फोर बिट पैरेलल एडर सबट्रैक्टर, यस, फोर बिट पैरेलल एडर सबट्रैक्टर सेक्शन टू, फास्ट एडर एंड सीरियल एडर, बीसीडी एडर, ठीक है। ये वो टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, कवर करेंगे आप लोग इसमें। नेक्स्ट, जी इनके आंसर्स भी गिवन है, स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि इनके आंसर्स, यस इनके आंसर्स भी गिवन है, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को स्केड्यूल बना के दूंगा रिवीजन का एमसीक्यूज के लिए, वो स्केड्यूल आप लोगों ने फॉलो करना है। उस स्केड्यूल में कुछ डेज होंगे रिवीजन के जिसमें आप लोग टॉपिक रिवाइज करेंगे, और फिर एक डे होगा फाइनल जिसपे आप उस उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर अ हार्ड वर्क प्लीज, मेहनत करने के लिए रेडी हो जाए। जी ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन आंसर्स ऑन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में आपको याद है हमने सर्किट्स पढ़े थे, एनकोडर्स, डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, कोड कन्वर्टर्स एंड सो ऑन, कंपैरेटर्स, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट ये हम सेक्शन पूरा कवर करेंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, यस, मल्टीप्लेक्सर्स, डी मल्टीप्लेक्सर्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज, एलसीडीज, क्या आपको याद है हमने पढ़े थे सेवन सेगमेंट डिस्प्ले,
सेवन सेगमेंट डिस्प्ले हमने स्टडी किया था जी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो याद है, सेवन सेगमेंट कैसी डिस्प्ले था, ये सेवन सेगमेंट डिस्प्ले था ठीक है, और इसमें थी ए बी सी डी ई एफ एंड जी, एंड डॉट जो था वो एच में आता था, तो डिस्प्ले आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट एनकोडर्स यस, पैरिटी जनरेटर्स यस एंड चेकर्स, कोड कन्वर्टर्स याद है आपको, हमने कन्वर्ट किया था, सर्किट बनाया था बाइनरी टू बी सी डी कन्वर्जन का, एंड सो ऑन, एंड देन मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या कंपेयर करते हैं, मैग्नीट्यूड्स को, बिगर नंबर ए है और बिगर नंबर बी है व्हाटसोएवर। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस ऑन फ्लिप फ्लॉप्स ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स लैचेस में इसमें कवर्ड है, डी लैच एस आर लैच ठीक है, और उसके बाद फिर फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप जे के फ्लिप फ्लॉप, ये पूरा टॉपिक कवर करना है एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन काउंटर्स ठीक है, काउंटर्स हमने स्टडी किए थे, 4-bit काउंटर, 7-bit काउंटर, 8-bit, 10-bit काउंटर। एक चीज मुझे बताएं कि अगर मेरे पास 5-bit काउंटर है ठीक है, ये मैक्सिमम काउंटिंग कहां तक कर सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, 5-bit काउंटर है मैक्सिमम ये काउंटिंग कहां तक कर सकता है, इसकी कितनी फाइनाइट स्टेट्स होंगे टोटल, गिव मी योर आंसर इन चैट विंडो। जी बिल्कुल ठीक शाबाश, ये काउंटिंग करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल जीरो अप टू 31, और इसकी टोटल 2^5 32 डिफरेंट स्टेट्स होंगी ठीक है, यूनिक स्टेट्स होंगी। तो ये चैप्टर है, इसमें काउंटर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन रजिस्टर्स ठीक है, रजिस्टर्स और काउंटर्स इन दोनों के बिल्डिंग ब्लॉक फ्लिप फ्लॉप हैं, ये आप लोगों ने याद रखा, और फ्लिप फ्लॉप का बिल्डिंग ब्लॉक एसआर लैच है। रजिस्टर और काउंटर्स में क्या डिफरेंस है, काउंटर्स की जो स्टेट्स हैं वो डिफाइंड है, उन्होंने उन्हीं स्टेट्स को फॉलो करना है, और जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड करती है, चाहे वो इंक्रीमेंट काउंटर है और वो डिक्रीमेंट काउंटर है। रजिस्टर्स में क्या है, रजिस्टर्स में वी कैन स्टोर अ वैल्यू ऑफ आवर चॉइस, हम अपने चॉइस का डाटा स्टोर कर सकते हैं और उसे रीड कर सकते हैं। फिर रजिस्टर्स की हमने टाइप्स पढ़ी थी, सीरियल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, शिफ्ट रजिस्टर्स, और फिर था शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स, ये कॉम्बिनेशन था रजिस्टर्स का और काउंटर्स का, एंड रिंग काउंटर भी हमने स्टडी किया था जिसमें वन मूव करता ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है रिलेटेड टू काउंटर्स, लास्ट हमारा चैप्टर था, इट वाज रिलेटेड विद मेमोरीज, मेमोरी डिवाइसेस, जिसमें हमने रोम प्रोम ई प्रोम डायनामिक रोम ये सारे आइटम इस तरह की चीजें हमने स्टडी की थी। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मेमोरी डिवाइसेस, अच्छा जिस तरह सिस्टम नंबर सिस्टम और कोड्स में बन सकता है, अ लॉट ऑफ सिंपल शॉर्ट एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसी तरह ये जो मेमोरी डिवाइसेस का चैप्टर था ये भी थ्योरी बेस्ड है, इसमें से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं ठीक है, इसमें ये भी आ सकता है सिंपल, इसमें एमसीक्यू एक ये बन सकता है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू मेंशन, क्वेश्चन इज आस्क्ड EPROM stands for what? So it is erasable, programmable, read only memory. अच्छा अब इसमें ये जो टॉपिक है मल्टी वाइब्रेटर्स, ये हम लोगों के कोर्स आउटलाइन में नहीं है, एडियल नहीं है, अरे लॉजिक प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक यस,
ये सारे जो हैं ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये ईप्रोम है, ये इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये मैं जो ओवरव्यू ट्यूटोरियल है ये भी मैं अपलोड कर दूंगा मॉडल में, और जो लिंक है यूआरएल है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मीनवाइल बाय टुडे इवनिंग मैं स्केड्यूल शेयर करूंगा रिवीजन का, हम लोग रिवीजन कैसे करेंगे और एमसीक्यूज को कैसे रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, प्लीज गेट रेडी फॉर हार्ड वर्क। अगर हमारे कोर्स कवरेज में कोई डेफिशिएंसी रह गई वी विल कवर इट ड्यूरिंग आवर रिवीजन सेशंस। ठीक है, चलो आज के लिए ये सफिशिएंट है, मैं आप लोगों को डिटेल्स सेंड कर दूंगा बिफोर इवनिंग इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गाइस गो ऑन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस।